हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि क्या होने वाला है आज इस वीडियो में। तो देख सकते हो यामा का दो दो बाइक खड़ा है, एक FZS है और एक MT-15। इसमें कमी बस है R15 का, तो तीनों हो जाता तो एक यामा लाइनअप बन जाता है। लेकिन चलो अभी फिलहाल मुद्दे पे आते हैं कि MT-15 और FZS इसका थोड़ा बहुत कंपेरिजन वीडियो आज बनाने वाले हैं कि क्या मिलता है इसमें क्या मिलता है, क्या इसका प्राइस है, क्या उसका प्राइस है, क्या इसका फ्यूल कैपेसिटी क्या है, इसका फ्यूल कैपेसिटी क्या है, इसका माइलेज क्या है, उसका माइलेज क्या है। तो आज इसी रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे। तो आज मेरे साथ कौस्तुभ है, FZS का ओनर। तो चलिए कौस्तुभ से भी बात करते हैं, फिर मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ MT-15 का। तो वेलकम कौस्तुभ मेरे चैनल में। इसको आप लोग पहले भी वीडियो में देखे होंगे। तो मैं बताता हूँ कि FZS और MT में आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंट है? अगर आपको स्पीड के हिसाब से बोलना है, पहले बात है तो MT ऑलवेज MT। और अगर आपको लो रेंज में हाई परफॉर्मेंस गाड़ी चाहिए तो आप FZS की तरफ जा सकते हो। अच्छा, तो मतलब सीधा अगर डिफरेंट बताएं तो ये 1,60,000 में आता है, ये 2,12,000, मैं 10,000 मानता हूँ, तो 50,000 का डिफरेंट है। हाँ। तो आपको क्या लगता है 50,000 में MT क्या वर्थ इट है? हाँ, MT ज़रूर वर्थ इट है। क्या क्या उसमें, मतलब किस चीज में आपको लगता है वर्थ इट है? MT में आपको मेरे इसमें जैसे नॉर्मल क्लच मिला, उसमें स्लीपर क्लच आता है, सिक्स गियर है। और आपको फिफ्थ गियर है ना? हाँ, इसमें पांच गियर है। अच्छा, और इसमें आपको क्या बोलते हैं उसको, अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलता है। उसके बाद आपको डुअल चैनल ABS भी होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत कुछ डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ इट है। कौस्तुभ का कहना कि वर्थ इट है, और मैं अपना भी ओपिनियन बताऊंगा कि इसमें मेरा लगभग 3,000 हो चुका है ड्राइव करना, तो मैं खुद भी अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा कि क्या इसका सीन है। तो अब बताओ कि मतलब आप FZ से MT-15 तो जा सकते थे, मतलब नहीं जाने का रीज़न तो वो आपका प्राइस में ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम जब गए थे शोरूम तब पापा MT-15 देखे थे। MT-15 का एक बात है कि आपका हाइट बहुत छोटा है। हाँ, और आपका जो थोड़ा कॉम्पैक्ट लगता है। हाँ। और आपका जो सीट हाइट है और जो सीट का लेंथ है वो बहुत छोटा है। और जैसे मेरे को कभी मम्मी को कहीं लेके जाना पड़ा है, पापा को कहीं लेके जाना पड़ा, तो उसमें बहुत डिफिकल्टीज आता है। लेकिन FZS जो आपका वो सीट का जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, मैं गौरव को थोड़ा सामने आने बोलूँगा, तो इधर आओ सामने, सीट को दिखाओ, पहले FZ का सीट को दिखाओ। देख सकते हो कि इसका कुशनिंग देखो बहुत सही है। लिटरली मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसका ओनर नहीं हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इसका सीट का कुशनिंग MT से बहुत ज़्यादा है, और इसका सीट का जो लेंथ है वो लेंथ भी MT से बहुत ज़्यादा है। तो मैं खुद इसमें देखा हूँ, एज अ पिलियन दुखता है भाई, चुकता है पीछे। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों से कुछ छुपाता नहीं हूँ, सच में बता रहा हूँ कि इसमें चुकता है, ये सच बात है। और मैं कौस्तुभ अगर बात करूँ तो इसमें और कुछ डिफरेंट है कि जिसको ये एक्सपेंसिव बनाता जाए? एक वो आपका गियर सिस्टम, गियर छः गियर में आता है, उसके बाद आपका क्लच तो हो ही गया। हाँ, दो को ABS, दो सिंगल, दो चैनल ABS हो गया। और आपका इधर टैंक का कैपेसिटी बोले तो 12 है, इधर 10 है, इधर ये एक सीन है। लेकिन मैं बता देता हूँ इसमें माइलेज ज़्यादा मिलता है, ये सच बात है कि ये इसमें VVA टेक्नोलॉजी है, VVA है, इसके वजह से ये निकल जाता है, बहुत सही इसका परफॉर्मेंस आ जाता है। तो मैं ये बाद में डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या है इसमें। नहीं तो इसमें 12 लीटर का आप लोगों को टैंक देखने को मिल जाएगा, और माइलेज आराम से 40-45 आप लोगों को हाईवे में मिल जाएगा, और सिटी में 40 मिल जाएगा। आप लोग अगर अच्छा स्किल है आप लोगों के पास बाइक चलाने का, तो इजी आराम से आप लोग 40 इसमें अचीव कर सकते हो। हाँ। अच्छा, इसका ये सिंगल चैनल ABS है। हाँ। तो इसमें ब्रेकिंग क्या प्रॉब्लम है, मतलब कुछ प्रॉब्लम? ब्रेकिंग नहीं, हाँ, अगर आप पीछे वाला ब्रेक लगाएगा तो खराब नहीं है ऐसे, बस ABS का कमी है। लेकिन एक बात बोल सकता हूँ, यामा ने ये MT R15 और FZS में जो ब्रेक का क्वालिटी दिया है वो आपको लगेगा कि बिना ABS लगा के भी। हाँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। आप पल्सर और TVS से कंपेयर बिना ABS वाला कर सकते हो, हम ये लिख के बोल सकते हैं। ये बहुत सही है, मैंने भी लिटरली मैंने भी पहले भी चलाया हूँ कि इसमें है वो जो बोल रहा है वो सामने। और एक बार मैं बता दूंगा गौरव को कि इसका सामने से प्रोफाइल और पीछे का प्रोफाइल आप लोग एक बार दिखा दो कि दोनों में लुक वाइज क्या है इसका, कि सामने और पीछे साइड में हर तरफ से आप लोग देख सकते हो कि इसका डिज़ाइन वगैरह कैसा है, क्या है इसमें।
तो ये आप लोग देख सकते हो कि इसका साइड प्रोफाइल दिखा दिया, बैक प्रोफाइल हो गया और फ्रंट में भी मैंने बता दिया। तो अब मैं खुद अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि क्या है दोनों में, क्या कंपैरिजन मेरे को लगता है। तो अब मैं बताता हूँ कि इस दोनों में मेरे को क्या लगा, क्यों मैंने MT लिया। क्योंकि मैं पहले एक बात बोल देता हूँ कि इससे पहले मेरा पल्सर 125 था। तो देखो पहले से तो मेरा ये क्रास था MT-15 की, मेरे को लेना था MT-15। तो तब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से मैंने MT-15 नहीं ले पाया। तो अब देखो सेकंड टाइप जब चेंज हुआ तो हम सोचे क्यों FZ में जाए जब इसमें दिल बैठा है। तो इस हिसाब से मैंने MT-15 ले लिया। और जैसे कि कौस्तुभ ने पहले बताया था कि इसका प्राइस मिनिमम आप लोगों को 50,000 का इसमें डिफरेंट देखने को मिल जाएगा प्राइस में ही। तो प्राइस तो देखो 50,000 बहुत होता है, ऐसा नहीं कि वो छोटा एक अमाउंट होता है। तो वो भी एक टॉपिक है कि प्राइस का भी बात है। अब मैं कुछ अगर बात करूँ कि इसमें रियलिटी का बात कि क्यों इसमें ज़्यादा पैसा लगता है, इसमें कम लगता है। तो देखो पहले तो आप फ्रंट में प्रोफाइल में चेक कर सकते हो, इसका एक दोनों में एक अलग सा लुक मिलता है। एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक जैसा MT-15 आता है और FZX एक डेली कम्युनिटी बाइक जैसा आता है। तो दोनों में देखो लुक का डिफरेंट थोड़ा सा लगेगा। और देखो सामने से अगर मैं बात करूं तो हाइट का, तो FZX MT से ज़्यादा हाइट लग रहा है, जो कि है भी, सच में है। MT एक बहुत कॉम्पैक्ट बाइक है, शॉर्ट बाइक है। तो और मैं अगर बात करूं कि इसमें चीज़ों में क्या क्या कमी है MT-15, मतलब कमी तो नहीं बताऊंगा कि डिफरेंट क्या क्या है। देखो इसमें अपसाइड डाउन फॉग मिल जाता है देखने को और उसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, ये एक चेंज हो गया। पीछे दोनों में आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। सामने का बात करें टायर साइज का, तो MT में मिलता है 100x70। आई होप MT में मिलता है 100x70, एक सेकंड, नहीं 100x80 मिलता है 7-inch अलॉय व्हील के साथ। और पीछे मिलता है 140x70, इसमें हाँ 140x70 रेडिएटर टायर। तो देखो रेडिएटर टायर दोनों में मिलता है, MT में भी मिलता है, FZS में भी मिलता है। बस इसमें देखो 100x60 है। आई होप कि FZ में 100x60 है, नहीं 100x80, और पीछे 100x60 था, है ना, 140x60। तो देखो इसमें मिलता है 100x80 7-inch अलॉय व्हील के साथ और पीछे मिलता है 140x16 7-inch अलॉय व्हील के साथ। तो देखो बस यही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, मतलब डिफरेंट है, पीछे में डिफरेंट है 10 का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सामने दोनों में सेम है। और मैं अगर डिस्क का बात करूं, ब्रेक का बात करूं, तो दोनों में देखो फ्रंट में आप लोगों को बाइब्री का ब्रेक कैलिपर देखने को मिल जाएगा, पीछे आप लोगों को निसिन का ब्रेक कैलिपर देखने को मिल जाएगा। और डिस्क सामने डिस्क का बात करें तो दोनों में ड्यूअल डिस्क में आता है, MT-FZ। लेकिन MT में क्या होता है, ड्यूअल चैनल ABS आता है, FZ में सिंगल चैनल ABS आता है। तो ये एक डिफरेंट हो गया। और सामने का अगर बात करूं तो देखो दोनों में DRL देखने को मिल जाता है, लेकिन बस MT में आप लोगों को प्रोजेक्टर मिल जाता है हेडलैम्प में, और इसमें नॉर्मल LED के साथ आता है। ये कुछ चेंज सामने से बता दिया। अब मैं अगर साइड का प्रोफाइल दिखाऊं दोनों का, तो देखो दोनों में फिगर आप लोग देख सकते हो, MT बहुत शॉर्ट है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। एक मैं कंपेयर परफेक्ट हाइट से मैं बता रहा हूँ, ये देखो MT और FZ का डिफरेंट। तो हाइट आप लोग देख सकते हो MT और FZ डिफरेंट क्या है। और गाड़ी लिटरली कॉम्पैक्ट है, मैंने चलाया हूँ, मैं मुझे पता है कॉम्पैक्ट है बाइक। और फ्यूल कैपेसिटी का बात करूँ तो MT में आप लोगों को 10 लीटर का मिलता है, FZ में 12 लीटर का मिलता है। और इसमें MT में VBA आता है, FZ में VBA नहीं आता, लेकिन TCS दोनों में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। TCS इसमें भी है, इसमें भी TCS है, बस VBA का कमी FZ में है। तो देखो उसी कुछ रीजन से FZ थोड़ा सस्ता है और MT थोड़ा महंगा आता है। और मैं इंजन का बात करूँ तो इसमें देखो MT में 155 का इंजन आता है और FZ में 150 का इंजन आता है। इंजन रिलायबिलिटी का मैं बात करूं तो दोनों में बहुत सही रिलायबल इंजन मिल जाता है आप लोगों को देखने में। FZ में भी वही सीन और MT में भी वही आता है। और बाकी देखो इसमें एयर कूल आता है ना कौस्तुभ, FZ एयर कूल आता है और ये है लिक्विड कूल, एयर कूल लिक्विड कूल दोनों, हाँ इसमें लिक्विड कूल मिल जाता है MT में। तो ये कुछ रीजन से ये एक्सपेंसिव हो जाता है, ये थोड़ा मतलब परफॉर्मेंस हिसाब से उतना कुछ तो नहीं है। बस ये देखो ये 140-145 चल जाता है टॉप स्पीड में, और ये 110 तो आप लोग आराम से टान पाओगे, 110 में कोई दिक्कत नहीं आएगा, वाइब्रेशन वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेकिंग में भी कुछ प्रॉब्लम ही है। तो देखो दोनों का डिफरेंट मैं बता दिया। पीछे का भी मैं एक बार लुक दिखा देता हूँ कि पीछे से कोई चेंजेस है कि नहीं। तो देख सकते हो बस खाली मडगार्ड आप लोगों को चेंज देखने को मिल जाएगा MT और FZ में, बाकी कुछ चेंज नहीं है, सब सेम है। एग्जॉस्ट का मतलब डिजाइन थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों का ही साउंड में अगर बात करूं, रुको मैं ऑन करके दिखा देता हूं। ये फिलहाल MT का आप लोग चेक करो,
तो ये है एमटी का। तो ये कुछ आवाज हो गया एमटी का। मैं अगर एफजेड का बात करूं तो एफजेड का भी आप लोग सुन लो, रुक जाओ। तो ये है कुछ एफजेड का साउंड। तो दोनों में आप लोगों को थोड़ा बेसी टाइप का एग्जॉस्ट का साउंड देखने को मिल जाएगा, जो कि सही लगता है, मेरे को बहुत सही लगता है। ज्यादा लाउड हो जाता ना कान में चुभता है भाई। तो यही कुछ इसका बेसिक चेंजेस था। साउंड आपका इंजन का रिफाइनमेंट का, हाँ वो भी रहता है। ज्यादा लाउड एग्जॉस्ट है, मतलब जो डिफॉल्ट एग्जॉस्ट रहता है, स्टॉक एग्जॉस्ट रहता है, अगर उसमें ज्यादा लाउड एग्जॉस्ट है तो आपका थोड़ा इंजन रिफाइनमेंट कम हो जाता है। हाँ, वो एक सही है। बाकी देखो मीटर में उतना कुछ चेंजेस नहीं है, दोनों में सेम आ जाता है, इसमें और उसमें एक ही आता है। खाली बस मीटर में आप लोगों को मिसिंग लगेगा कि इसमें वीवीए जब शो करेगा 9000 आरपीएम के ऊपर, उसमें वो शो नहीं करता है, बाकी तो सब सेम ही है। देखो इसमें भी इंडिकेटर है एमटी, हाँ, और उसमें हाँ वो एक चेंजेस है कि एफजेड में आप लोगों को गियर इंडिकेटर नहीं मिल जाता है, एमटी में गियर इंडिकेटर मिल जाता है। और देखो दोनों ही अभी ऑन फिलहाल है, दोनों गाड़ी ऑन है फिलहाल, दोनों का आप लोग लुक चेक कर सकते हो। और एक चेंजेस है कि एफजेड में फिफ्थ गियर बॉक्स के साथ आता है और एमटी में सिक्स्थ गियर बॉक्स के साथ आता है। बाकी देखो दोनों ही ओपन चेन में आता है, ये भी ओपन चेन में है एफजेड, और एमटी भी ओपन चेन में ही आता है। तो और मेंटेनेंस का अगर मैं बात करूं, देखो कुछ कुछ हिसाब से एमटी थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज भी अलग है, तो उस हिसाब से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि एक्स्ट्रा कॉस्ट का अगर मैं बात करूं तो इसका लिक्विड है, इसका जो कूलिंग है वो लिक्विड का ये एक्स्ट्रा पार्ट बना देता है, क्योंकि एफजेड में वो है ही नहीं फिलहाल, और एमटी में आपको करना तो पड़ेगा, कभी ना कभी तो आपको करना ही पड़ेगा जब खत्म हो जाएगा। रेडिएटर है उसका, फैन है, बहुत सारा है चीज, तो उस हिसाब से एमटी थोड़ा एक्सपेंसिव बन जाता है। और बाकी ओवरऑल बात करूं तो दोनों में आप लोगों को इंजन बहुत सही रिलायबल मिल जाता है। तो देखो दोनों का सीन भी अलग है, ये एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है और वो एक कम्यूटेड बाइक है, तो दोनों में आप लोगों को डिफरेंट तो थोड़ा बहुत नजर आएगा ही। तो बस आज का कंपैरिजन इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।